फ्रेंड्स, वेलकम टू रमेश शर्मा एकेडमी। तो आज हम करेंगे आपके टॉप 5 वीकली करंट अफेयर और उसे कवर करेंगे फ्रॉम 28 मार्च टू 2 अप्रैल। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, जो हमारी फर्स्ट न्यूज है ये है रिगार्डिंग अंडर द स्लिप्स ऑफ जीएसटी एनवायरमेंट। और न्यूज क्या है बेसिकली, आपकी जो राइनो पॉपुलेशन है ये इंक्रीज हुई है बाय 200 इन द काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, तो देखिये काफी अच्छी न्यूज है ये हमारे कंट्री के लिए और फॉर द एनवायरमेंट के लिए भी। तो अभी हुआ क्या है कि हमने यहाँ पे सेंसस कराया था, तो जो आपका सेंसस लास्ट कब हुआ था, ये हुआ था 2018 में, ठीक है। वहां पे थे कितने आपके 2413 रैनो। अभी जब हुआ है इस बार 4 साल के बाद, तो यहाँ पे हमको क्या हुआ है, इसमें प्लस 200 का हुआ है अभी इंक्रीज, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है, ठीक है। यानी कि जो हमारा कंजर्वेशन का चल रहा प्रोग्राम वो काफी सही पाथ चल रहा है आपका, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका कि जो हमारे होते हैं ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, उनमें क्या हुआ है, नंबर इंक्रीज हुआ है इन द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। ओके, नाउ पहली बार क्या हुआ है, हमने इसको सेंसस के लिए हमने यूज किया है ड्रोन्स का। ओके, अब देखिए ऐसे ही सिमिलर सेंसस आपका और भी हुआ है, कहाँ कहाँ पे हुआ है। ये मार्च में हुआ था, एक आपका हुआ था इन द ओराम नेशनल पार्क, ठीक है। वहां पे क्या हुआ था, इंक्रीज है बाय द नंबर ऑफ 24। और एक आपका हुआ है पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां भी क्या है, इंक्रीज मिला है हमको 5 का, ठीक है। तो देखिए आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे इस बात हो रही है वन हॉर्न राइनो की, एंड कौन सी यहाँ पे बात हो रही है आपकी, एक यहाँ पे हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक यहाँ पे हुआ है ओरांग, एंड एक यहाँ बात हुई है पवित्रा वाइल्ड सेंचुरी की। ओके, नाउ अगर हम बात करें इस एनिमल की जो हमारा है ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस, तो देखिए ये है लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ डायनासोर्स जितने भी अभी है वर्ल्ड में, ठीक है। एंड इंडिया क्या है, इंडिया में मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा ग्रेट वन हॉर्न राइनो। ओके, तो इंडिया इज होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस इन द वर्ल्ड। ओके, अभी कितने हमारे पास नियर अबाउट इन इंडिया, वी हैव 2600 इंडियन राइनो, और जिसमें से भी क्या है आपके मोर देन 90% कहां मिलेंगे आपको, इन दी काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कि असम में। ओके, और देखिए हम बात करें इनके स्टेटस के बारे में, तो जो इसका आईएसएस स्टेटस है वो है इसका वल्नरेबल, इसको हमने लिस्ट किया हुआ है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में। और अगर हम बात करें इंडिया के लिए हमारा एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वहां पे हमने रखा हुआ है इसको अंडर दी शेड्यूल 1। नाउ अब देखिए कहां मिलते हैं बेसिकली हमको, तो जो इनका हैबिटेट है ये बेसिकली होता है आपका तराई रीजन का ऑन दी इंडो नेपाल बॉर्डर का, एंड इन आपके नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल एंड असम, ठीक है ना। अब देखिए जो आपके फेमस जो आपकी सेंचुरीज है वो कौन सी आती है आपकी, ऐसे आपका एक यहाँ पे हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, देन इज पवित्रा वाइल्ड सेंचुरी, थर्ड इज आपका ओरांग नेशनल पार्क, फिर एक आपका आता है मानस नेशनल पार्क। ये सारे कहाँ मिलेंगे आपको, इन दी असम स्टेट में, ठीक है। दो यहाँ पे और आपके आते हैं, वन इज जल दापरा नेशनल पार्क एंड गोरुमार नेशनल पार्क, ये दोनों कहाँ मिलेंगे आपको, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। थर्ड यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कहाँ पे आता है, इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब ये थ्रेड क्या है बेसिकली, इनको आपका पोचिंग का एक डर होता है हमको, एक यहाँ पे डर है हमको हैबिटेट लॉस का, थर्ड यहाँ पे क्या है कि ना पॉपुलेशन डेंसिटी, कि एक एरिया में ज्यादा ये लोग रहने लग जाएंगे तो उससे भी क्या होगा, इश्यू आएगा इनके सर्वाइवल के ऊपर। ओके, एंड फोर्थ इज दी डिक्रीजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी जो आप ये इवोल्यूशन जो कर पा रहे हैं उस स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं, तभी क्या हो रहा है इनका डेथ बहुत जल्दी हो रही है आजकल, ठीक है। तो ये था आपकी फर्स्ट न्यूज रिगार्डिंग दी वन हॉर्न डायनासोर्स। ओके, फिर जो न्यूज है सेकंड जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग दी बिम्स्टेक, और इसको हम कवर करेंगे आपकी सिलेबस GS2 IR के अंडर। ओके, तो देखिये अभी क्या हुआ है, इस साल का जो आपका चेयर जो चेयर थे बिम्स्टेक की वो थी विद श्रीलंका, ठीक है ना। श्रीलंका ने होस्ट किया है पूरी कंट्रीज को, पूरे ग्रुप को, और यहाँ पे एक वर्चुअल मीटिंग हुई है बिकॉज कोविड है, तो फिर यहाँ पे भी पर्सनल मीटिंग नहीं हो पाई इस ग्रुप की, ठीक है। और हाँ अब देखिए म्यांमार ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, हमने अभी वी आर ब्रुनो के म्यांमार में क्या हुआ है, अभी एक तख्ता पलट हुआ है और आर्मी ने वहां पे कर लिया टेक ओवर, जो आर्मी के जो अभी बने हुए हैं फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्या यहाँ पे किया है पार्टिसिपेट। ओके, एंड अभी हुआ क्या है बेसिकली इस मीटिंग में, तो देखिए एक तो ये हुआ है उन्होंने लॉन्च किया है बिम्स्टेक चार्टर, एंड
हैंड ओवर की है लीडरशिप जहां पे होगा आपका नेक्स्ट सेशन इसका, जो वहां पे होगा इन थाईलैंड, ठीक है, इस साल कहां पे हो रहा है, श्रीलंका में। ओके, तो देखिए अगर एक ग्रुप का नाम अभी न्यूज में आ तो विश्व नो की ग्रुप है क्या, कब फॉर्म हुआ है, तो ये देखते हैं। देखिए फुल फॉर्म क्या आपकी इसकी, इट इज दी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। इट्स अ ग्रुप ऑफ सेवन कंट्रीज, कौन सी है वो सेवन कंट्री आपकी, यू कैन सी इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, फिर आपके आते हैं श्रीलंका एंड थाईलैंड। ओके, याद रखिएगा फाइव कंट्री कैसी हैं जो आती है ऑन द कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, दो आपकी आती हैं नेपाल एंड भूटान। ओके, अभी श्रीलंका कर रहा है इसको हेड और नेक्स्ट ईयर करेगा इसको थाईलैंड, क्लियर है। अब देखिए ग्रुप बना कब था आपका, तो ये फॉर्म हुआ था इन द ईयर 1997 बाय बैंकॉक डिक्लेरेशन, यानी कि थाईलैंड। अब क्या है इसकी इंपॉर्टेंस, सो इट अकाउंट्स फॉर 22% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। ओके, तो ये कंबाइंड जीडीपी है कितनी बनती है, इट इज नियर अबाउट 2.7 ट्रिलियन डॉलर। ओके, तो देखिए और बेसिकली अब यही है कि हमने ग्रुप क्यों बनाया था, इससे पहले ग्रुप बना हुआ था हमारा साउथ एशिया बाय द नेम ऑफ सार्क, बट बिकॉज ऑफ पाकिस्तान के इधर फंक्शन हो नहीं पाया था, तो इसलिए टू एक्सक्लूड पाकिस्तान इंडिया ने बनाया ग्रुप बाय द नेम ऑफ बिम्स्टेक, क्लियर। नाउ देखिए अभी न्यूज नंबर थ्री, ये है रिगार्डिंग दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको हम कवर करेंगे अंडर सिलेबस GS2 पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। अब देखिए ये जो स्कीम है ये कब स्टार्ट हुई थी, ये अभी शुरू हुई थी इन दी अप्रैल 2020, जब क्या था आपकी कोविड की जो पैंडेमिक है ये आया था देश में। अब उस टाइम पे गवर्नमेंट ने देखा, हम सब ने देखा कि लोग क्या दिखाए थे, खाने की जो आपके जो लेबर क्लास थी, जो आपके मजदूर वगैरह थे, जो गरीब तबका देश का, उनको बहुत इश्यू आया फूड का, तो हमें देखा कि काफी यहाँ पे फूड की शॉर्टेज, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये अपने स्कीम लॉन्च की थी जहां पे कैटर 80 करोड़ लोगों को गवर्नमेंट ने लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनको खाना प्रोवाइड करेंगे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी इसको और एक्सटेंड किया है फॉर अनदर 6 मंथ, क्लियर है ना। तो देखिए आप देखते हैं इसके बारे में, तो ये स्कीम है, इसको भी लॉन्च हुई थी इन दी अप्रैल 2020, और अभी इसको हमने एक्सटेंड कर दिया है फ्रॉम सितंबर 2022 तक के लिए, यानी कि अनदर 6 मंथ, क्लियर है। तो देखिए इसको माना जाता है लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम इन दी वर्ल्ड। ओके, अब देखिए काफी इसमें गवर्नमेंट का खर्चा भी हो रहा है, देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली अब तक सरकार के यहाँ पे खर्च हो चुके हैं नियर अबाउट 2.6 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना। अब क्योंकि हमने एक्सटेंड किया है फॉर अनदर 6 मंथ, यानी कि अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा कितने का होने वाला है, 80 लाख करोड़ रुपए का, यानी कि आफ्टर 6 मंथ टोटल का आएगा जो उसका बिल आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, नियर अबाउट 3.4 लाख करोड़, ठीक है ना। तो देखिए नियरली इसमें कितने हैं आपके, 80 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं जिनको गवर्नमेंट फूड प्रोवाइड कर रही है, और हाँ इसकी पूरी फंडिंग कौन कर रही है आपकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तब तो पूछते हैं एग्जाम में कि जो स्कीम है कैसे शेयरिंग हो रही है फंड की, तो जी नहीं, सारी फंडिंग कौन हो रही है, फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ओके, अब देखिए बेसिकली तो ये स्कीम है क्या, व्हाट इज दी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ आपकी आत्मनिर्भर भारत टू प्रोवाइड फ्री फूड ग्रेन टू माइग्रेंट्स एंड दी पुअर, ठीक है। अब ये कितना मिलता है राशन, तो यहाँ मिलता है आपको 5 kg फ्री व्हीट राइस पर पर्सन मिलेगा, पर फैमिली नहीं है, पर पर्सन है एंड पर मंथ, तो एक इंसान को मिलेगा यहाँ पे महीने का 5 kg गेहूं एंड राइस अलोंग विद 1 kg फ्री होल चना। ओके, क्लियर था, इसे मिल रहा है मिल रहा है को पर मंथ। ओके, और हाँ आपने एक बात यहाँ पे याद रखनी है, ये एडिशनल है, दिस इज ओवर एंड अबव ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि आपका देखिए गवर्नमेंट ऑलरेडी क्या है फ्री खाना प्रोवाइड करती है अंडर दी आपकी NFSA एक्ट, लेकिन जो ये आपको और एक्स्ट्रा खाना प्रोवाइड कर रही है ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ये क्या है इसके भी एक्स्ट्रा है। ओके, अब कौन होंगे इसके बेनिफिशियरी, हमने से पढ़ा जो आपके माइग्रेंट लेबर्स होते हैं, जो कि मजदूर तबका होता है, और उनको हमने यहाँ पे ग्रुपिज्म दे रखा उनको, यानी कि अंत्योदय अन्न योजना एंड प्रधानमंत्री
प्रायोरिटी हाउसहोल्ड कार्ड होल्डर, ठीक है ना। तो ये जो कैटेगरी है इनको होगा ऐसा बेनिफिट। अब देखिए ये स्कीम को कौन कर रहा है सुपरवाइज, किसकी स्कीम है बेसिकली, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे इट इज ऑपरेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और मिनिस्ट्री कौन सी आएगी आपके यहाँ पे, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब याद रखना कि ये जो स्कीम है आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर। ओके नाउ फिर देखते हैं आपके नेक्स्ट न्यूज, इट इज रिगार्डिंग यू नो एलिफेंट के बारे में है। अभी क्या है कि ना गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है, इसका नाम है आपका कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर्म लुक इनटू एलिफेंट डेथ, ठीक है। इसको भी कवर करेंगे अंडर सिलेबस जीएसटी एनवायरमेंट के अंदर। ओके देखिए अभी क्या हुआ है, आपकी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उन्होंने एक बनाई है आपकी परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी, ठीक है ना। उसमें क्या आएंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड एनवायरमेंट। अल्टीमेटली एम क्या है का, टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ ऑन रेलवे ट्रैक। देखिए यू नो काफी एक बड़ा बड़ा इशू है कि हर साल क्या है कि ना रेलवे ट्रैक पे काफी आपके एलिफेंट क्या है वो कट के मर जाते ट्रेन से, ठीक है ना। तो बिकॉज अभी ना हो पाए इसको हम कंट्रोल करने ट्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए बनाई हमने आपकी परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी। अगर आप कुछ स्टैट्स की बात करें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 90 एलिफेंट्स आप इस तरीके से मर गए थे इन द ईयर 2018-19, ओके 14 इन 2020 एंड 12 इन लास्ट ईयर, यानी 2021 वाला, ओके ठीक है। अब देखिए इसके लिए ऑलरेडी काफी स्टेप ले रखे हैं, जैसे कि स्पीड रेस्ट्रिक्शन। अब देखिए ये जो पॉइंट अभी पढ़ने वाले हैं, दिस यू कैन मेंशन इन योर मेंस आंसर। आपको क्वेश्चन आता है कि क्या गवर्नमेंट कर सकती है टू प्रिवेंट द यू नो डेथ ऑफ एलिफेंट इन द रेलवे ट्रैक, सो हियर यू कैन मेंशन ऑल दिस पॉइंट्स। फर्स्ट यहाँ पे क्या है, स्पीड रेस्ट्रिक्शंस इन द आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर एंड हैबिटेट। जहां पर आपको लगता है कि ये जो कॉरिडोर है जहां पे एलिफेंट पास करते हैं वहां पे ऑटोमेटिकली जो ट्रेन ड्राइवर है वो कर देंगे स्पीड को कम, हमें लिमिट देखिए इससे ऊपर स्पीड आपकी जा नहीं सकती। ओके सेकंड यहाँ पे क्या है, मेकिंग अंडर पास एंड रैंप, ताकि एलिफेंट क्या है इजिली क्रॉस कर जाए, उनका ट्रैक पे आना हो ही ना पाए, क्लियर है। फिर यहाँ पे बात कर रखी है क्या, फेंसिंग लगा दीजिए जो भी आपके लोकेशन है जहां पे क्रॉस करते हैं। देन इज लेटिंग साइन टू वार्न ट्रेन ड्राइवर अबाउट आइडेंटिफाइड एलिफेंट कॉरिडोर, यानी कि वो कॉरिडोर आने वाला है कौन सा एरिया है ये पता चल जाए ट्रेन ड्राइवर्स को, उसके लिए यहाँ पड़े कुछ साइन, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात की है सेंसिटाइजिंग ट्रेन क्रू एंड स्टेशन मास्टर टू अवॉइड ट्रेन कोलिजन विद एलिफेंट्स एंड क्लियरिंग वेजिटेशन ऑन द साइड्स ऑफ ट्रैक व्हेन द रेलवे लैंड। देखिए बेसिकली अगर वहां पे पेड़ नहीं होंगे तो ऑब्वियसली बात है हाथी क्या है वहां पे खाना खाने नहीं आ पाएंगे आपके, तो इस चक्कर में क्या होंगे चांसेस ऑफ एक्सीडेंट के वो कम हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी ले रखे हैं, अभी कमेटी है वो उसे एडिशनल एक हमने काम किया है। नाउ जो आपका वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो क्या है ऑटोनॉमस बॉडी है ऑफ द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, उन्होंने काफी कंसल्ट किया है विद यू नो आपके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से, आपके जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है उनके साथ भी, प्लस जो आपके नेशनल टाइगर रिजर्व है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है एंड द वाइल्ड लाइफ ग्रुप, और उन सबके साथ उन्होंने अपने एक मीटिंग के बाद एक आपका डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है बाय द नेम ऑफ इको फ्रेंडली मेजर्स टू मिटिगेट इम्पैक्ट ऑफ लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि अभी हम कुछ ऐसे यू नो स्टेप लेने वाले हैं जिससे कि इफेक्ट ना हो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी, प्लस डेथ ना हो पाए आपके एलिफेंट्स की भी, ठीक है ना। अल्टीमेटली एम क्या है हमारा, टू रिड्यूस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। ओके ओके अगर हम बात करें आपके एशियन एलिफेंट्स की, सो हियर यू नो देयर आर थ्री स्पीशीज ऑफ एशियन एलिफेंट विच आर आपकी इंडियन सुमात्रा एंड श्रीलंकन, ठीक है। कितनी है इनकी ग्लोबली पॉपुलेशन, तो इट इज नियर अबाउट 22,000-40,000। ओके अब जो एशियन एलिफेंट है सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं आपको, इन इंडिया। ओके इट इज मोर देन 60% ऑफ द वर्ल्ड्स एलिफेंट पॉपुलेशन आपको मिलेगी इन इंडिया। क्या है इनका शेल्टर्स, IUCN इट इज इंडेंजर्ड, और कहाँ मेंशन किया है हमने इनको, इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, क्लियर है। ओके नाउ इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इट इज रिगार्डिंग द जोजिला टनल, इसको हम कवर करेंगे सिलेबस GS1 ज्योग्राफी। ओके अब देखिए न्यूज में क्यों है, बिकॉज अभी काफी यहाँ पे काम चल रहा है, तो पहले इसका प्लान था कि इसको हम कंप्लीट करेंगे बाय 2026,
ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, गवर्नमेंट प्लान दे रही है कि इसको हम 2 साल पहले, यानी कि वी कैन अचीव दिस बाय 2024। ओके, तो काफी स्पीड से काम बढ़ा रहे हैं अभी ताकि ये डेडलाइन से पहले पूरी हो जाए, 2 साल पहले। ओके, नाउ अब देखिए, अगर ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज अगर अभी आपने देखा होगा आप काफी चल रहा है आपका वृद्धि चैनल साथ चल रहा है हमारा एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। ओके, तो यू नो अगर फ्यूचर में ये और बढ़ता है और हमको स्पीडली भेजने हो अपने सोल्जर्स ओनली LSE, तो ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है टनल। ठीक है, तो अभी क्या है, हमने सर चेंज कर दिया टाइम एंड, अब हो गया है 2024। इसके लिए 1000 वर्कर्स काम कर रहे हैं इसके लिए, और ये कहाँ बन रही है, इन दी सोन, जो कहाँ पे आता है आपके सेंट्रल कश्मीर में। ठीक है ना, तो ये प्रोवाइड करेगा लिंक बिटवीन श्रीनगर एंड लेह। क्लियर नाउ, तो ये क्या है बेसिकली, इट इज एन ऑल वेदर कनेक्टिविटी बिटवीन श्रीनगर वैली एंड ले ऑन NH1, एंड विल ब्रिंग अबाउट ऑल राउंड इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इन दी जम्मू एंड कश्मीर एज वेल। ओके, देखिए अभी क्या होता है, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम श्रीनगर टू ले, तो टाइम तो लगेगा, इट इज नियर अबाउट 3.5 आवर। ओके, जो कितना रह जाएगा, ओनली 15 मिनट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द उजला टनल। ओके, लेंथ कितनी है आपकी इसकी, इट इज 14.15 किलोमीटर टनल, और ये क्या बनने वाली है, एशिया की लॉन्गेस्ट बायर डायरेक्शनल टनल। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने इस टनल के बारे में। ओके, नाउ देखिए, ये है आपका श्रीनगर, दिस इज द ले, और यहां बन रही है आपकी दूसरा टनल इन दी सोनमर्ग कश्मीर। ठीक है, तो ये बायर डायरेक्शनल है, ऑल वेदर है, लेंथ है इसकी 14.15 किलोमीटर, एंड इसको बना रहे हैं एट द ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,578 फीट के आसपास। ठीक है, नाउ तो देखिए, ये हो गया हमारे पांच टॉप पांच न्यूज। अब ये आपके एडिशनल न्यूज है, क्योंकि इस महीने क्या हुई है आपकी एक एक्सरसाइज 10 लेक। ठीक है ना, तो ये एक्सरसाइज किसके बीच में होती है, इट इज बिटवीन द आर्मी ऑफ इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, और इस साल कहाँ पे हुई है, इन द रानीखेत उत्तराखंड। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टॉप 5 न्यूज ऑफ दिस वीक। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।